वही मूल मंत्र कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी, यही हमारी संस्कृति है। तो हम लोग कर्म करने आए थे अपना, वो कर्म नहीं कर पाए और जितना कर सके उतना किया और उसमें जो भी फल आ गया था उसकी वैसे ही चिंता नहीं थी। पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन से छूट मिली और मुंबई में वो जितने दिन रहे क्वारंटीन में रहे, अब उन्हें छूट मिली है, वो हमारे साथ हैं खुद विनय तिवारी जी। तिवारी जी, आप 2 अगस्त को आए मुंबई और उसी दिन रात में आपको क्वारंटीन कर लिया गया, तो क्या मतलब आप कहेंगे इस पूरे प्रकरण को किस रूप में आप देखते हैं? मैंने अभी स्पष्ट किया था कुछ देर पहले कि ये इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि मुझे क्वारंटीन किया गया था, ये व्यक्ति की बात नहीं है, एक प्रक्रिया के तहत मुझे भेजा गया था। FIR होने के बाद इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया, सुपरविजन की प्रक्रिया थी, वो अगला कदम मैं बढ़ाने आया था सुपरविजन का। लेकिन चूंकि क्वारंटीन के बहाने से मैं कहूँगा कि हमारा एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो होना था उसे बाधा पहुँची, वो प्रक्रिया रुक गई। वो फिर अगले कुछ दिनों तक, 2-3 दिन तक हम लोग जिस गति से बढ़ने वाले थे, जो हम लोगों की प्लानिंग थी कि हमें क्या क्या काम करना है, वो उसमें बाधा उत्पन्न हुई। मतलब आपको नहीं बल्कि तहकीकात को क्वारंटीन कर दिया गया, एक तरह से देखा जाए तो मुंबई पुलिस का पूरा काफी असहयोग कर रहा है बिहार पुलिस का, खासतौर पर ये सुशांत सिंह राजपूत मामले में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कार्रवाई है कहीं मतलब उसको रोकने के लिए, इस प्रक्रिया को रोकने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए, तो ये इस तरह का कदम नहीं उठाया गया महाराष्ट्र का? अब इस पर तो मैं नहीं कहूँगा किसकी तरफ से क्या कदम उठाया गया, लेकिन जो भी किया गया, जो भी BMC के लोगों के आगे द्वारा एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर जो एसेंशियल ड्यूटी पे है, जो किसी एक महत्वपूर्ण केस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में है और जिसे एक दूसरे राज्य की राज्य सरकार के सीनियर ऑफिसर्स ने भेजा है, उसे BMC द्वारा क्वारंटाइन किया जाना कहीं ना कहीं शक तो संदेह तो पैदा करेगा। मेरे स्वयं के दिमाग में भी शक हुआ कि भाई आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं, चूंकि मेरे से तो किसी का लेना देना नहीं है, तो ये व्यक्ति की बात नहीं है। हाँ, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया थी उसे ही यही नुकसान हुआ है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को बाधा पहुंची। जो CBI ने केस टेक ओवर किया, हम लोग जो और 3 दिन काम कर सकते थे, वो हम, मुझे दुख जरूर है कि 3 दिन जो हमारे गए वो हम उसने समय में कुछ अच्छे स्टेटमेंट्स, कुछ अच्छे एविडेंस जो शायद CBI के भी आगे काम आते, वो नहीं कर सके इस घटना की वजह से। आप वहां से निकले होंगे पटना से, जब इतना महत्वपूर्ण केस सुशांत सिंह राजपूत का, आपके मन में बहुत सारे इस तरह के इन्वेस्टिगेशन को लेके बहुत सारे सवाल होंगे, और यहाँ आके इस परिस्थितियों में पड़ जाना और 5 रात क्वारंटीन रहना, कमरे से बाहर नहीं निकलना, ये कितनी बड़ी व्यथा है एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर के लिए? व्यथा तो मैं नहीं कहूँगा, चूंकि सीनियर ऑफिसर हमें लगातार गाइड कर रहे थे, उनका पूरा सपोर्ट था और वो लगातार बता रहे थे कि अब क्या करना है। अब क्वारंटीन भी किया गया तो किस परिस्थिति में, लगातार वहाँ से सीनियर ऑफिसर द्वारा लेटर भी लिखे गए, संपर्क भी किया गया ऑफिशियली अनऑफिशियली दोनों तरीके से। तो और जब भी काम करने बाहर आए तो व्यथा, सुख और दुख तो त्यागना होता है। तो जो मूल मंत्र यही था कि काम करने आए थे ना, अब काम करने नहीं दिया गया। वही मूल मंत्र था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी, यही हमारी संस्कृति है। तो हम लोग कर्म करने आए थे अपना, वो कर्म नहीं कर पाए और जितना कर सके उतना किया और उसमें जो भी फल आ गया था उसकी वैसे ही चिंता नहीं थी। क्या ये सही है कि आपको शर्त के आधार पे क्वारंटीन से मुक्त किया गया है कि आप 8 तारीख से पहले मुंबई छोड़ दें, आपको साधारण आपको प्राइवेट गाड़ी से भेजा जाएगा, कोई सिक्योरिटी नहीं कुछ नहीं? नहीं, उसमें शर्तें हैं, शर्तों के आधार पर ही छोड़ा गया और मुंबई छोड़ने का अलाउ किया गया है, मुंबई में रह के काम करने का तो नहीं अलाउ किया गया, यही अलाउ किया गया कि अब आप मुंबई छोड़ के पटना जा सकते हैं। अच्छा, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देखा मैंने, काफ़ी आपको दिक्कत भी लगा, अगर इस बीच में कुछ इस तरह की घटना भी हो सकती है? तो हम लोगों ने लेटर लिखा था, हमारे सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा लेटर लिखा गया था कि जो भी प्रोटोकॉल है SP रैंक का, वो प्रोटोकॉल की सिक्योरिटी का लेटर लिखा गया था। लेकिन ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं मिला नहीं आपको? मुझे किसी की सिक्योरिटी को आवश्यकता नहीं, मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, हम लोग पुलिस ऑफिसर हैं, हम अपनी सिक्योरिटी के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। हम तो इनफैक्ट जहां ड्यूटी कर रहे हैं या किसी पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार हैं, तो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी को कैसे बोल? जिस चीज के लिए उन्होंने क्वारंटीन किया कोरोना को लेके, और आपके इर्द गिर्द सैकड़ों लोग जमा थे, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा था, ये आपने देखा? वो तो मीडिया के लोग थे, मैं जितना कोशिश कर सकता था मैंने उतना किया। तो ये बात सही है कि कोई अगर PSOs वगैरह होते तो वो बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सिक्योरिटी के लिए ट्रेंड होते हैं, अपनी भी और समाज की भी। अच्छा, ये जो आप आए थे पूरा हेड करने सुशांत सिंह राजपूत मामले में, जो 4 लोग यहाँ पर तहकीकात कर रहे थे, आपके पुलिस अधिकारी, बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, एक CDR में ये भी आया है कि बहुत फोन कॉल्स जो है रिया के परिवार वाले और तमाम लोग, संख्या भी बताई गई है, सुशांत और रिया के बीच काफी बात कम बात हुई है, लेकिन रिया जो है उनके स्टाफ से ज्यादा बात करती है,
अपनी माँ से ज्यादा बात करती है, तो एक गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड का जो होता है उसमें हम, मुझे लगता है कि उनके बीच में ज्यादा बात होनी चाहिए, ये सारी बातें आई हैं। अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन की जो अंदर की कोर बातें हैं वो तो उन पर ना कमेंट करना मेरा सही होगा ना, और ना बताना उसमें ठीक होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को रिटर्न में देना है, तो वहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जितने भी अवेलेबल हैं, उन सबको हम लोग सार उनका बना के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट फिर उसको बेहतर तरीके से जज करेगा। आपको लगता है कि पर्याप्त सबूत आपको मिला जितना दिन आप लोगों ने, आपके लोगों ने जो किया? हम टीम हमारी बहुत अच्छा काम कर रही थी, हम लोगों को सीनियर ऑफिसर्स का लगातार अच्छा डायरेक्शन मिल रहा था और बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे, ये मैं कहूँगा। ये कहना कि पर्याप्त थे कि नहीं, चूंकि ये तो चार्जशीट के टाइम या जब केस आगे बढ़ता फिर माननीय न्यायालय में हम लोग देखते कि क्या फैक्ट आ रहे हैं और कितने सबूत हम लोगों ने, तो पर्याप्त तो मैं नहीं कह पाऊंगा अभी, लेकिन हम बहुत तेजी से बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे, जांच से हम भी और हमारे हमसे भी सीनियर ऑफिसर भी संतुष्ट थे। अब तो जांच सीबीआई को चली गई है, तो आप लोगों का क्या रोल रह जाएगा? अब तो हम लोगों का कोई विशेष रोल नहीं है, लेकिन हाँ अगर जो हम लोगों ने जांच किया उससे संबंधित कोई सवाल जवाब किए जाते हैं तो हम लोग जरूर बताएंगे। अच्छा ये बताइए, क्वारंटीन की रातें कैसे बिताई आपने, कुछ कविता में आप कुछ कह सके उसको? कविता में तो क्वारंटीन पर तो मैंने अभी ऐसी कोई कविता नहीं लिखी, लेकिन अपनी पुरानी कविताएं थी उन्हीं को विचार में लाकर सुना दीजिए, दो लाइन। जैसे कुछ प्रेरणा जब कभी लेनी होती है तो उसके लिए मैंने एक कविता लिखी थी कि अपने अंदर एक आग लगानी चाहिए, अपने अंदर एक आग लगानी चाहिए जो जलाती रहे तन को मन को, जो जलाती रहे तन को मन को, वो लौ रह रह के उठती रहनी चाहिए। अपने अंदर एक आग लगानी चाहिए जो जलाती रहे तन को मन को, वो लौ रह रह के उठती रहनी चाहिए। एक ये भी सवाल उठता है कि 5 रात और 6 दिन लगभग आप रहे क्वारंटीन में और गाइडलाइन का पूरा पालन किया, कमरे से बाहर नहीं निकले, तो क्या महसूस हो रहा था अंदर मतलब? हाँ ये कमरे से, चूंकि होम क्वारंटीन का नियम यही होता है, होम क्वारंटीन का अर्थ यही होता है कि आप बाहर से आए हैं तो आप यहाँ के किसी निवासी से प्रवासी से नहीं मिलेंगे, तो अब आप बाहर निकलेंगे तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, तो आपको नहीं मिलना है, तो उसके लिए रूम में ही रहना पड़ा और रूम के अंदर ही रहना पड़ा, बालकनी और रूम में ही। और तो लेकिन पहले 2 दिन तो हम लोग टीम के टच में थे, कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब बाद में केसीबीआई को चला गया तो फिर वो भी नहीं हो पाया। तो अपना हम लोग किताबें पढ़ते हैं, लिखते पढ़ते रहते हैं, तो समय निकलता रहता है, चिंता की कोई बात नहीं थी। और बाकी सब व्यवस्था थी? हाँ बाकी सब व्यवस्था थी, और सीनियर ऑफिसर्स लगातार टच में थे, बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी की, पूछा भी कि आपके हाल चाल। तो ये कोई व्यक्तिगत तो हम लोगों की हमेशा कर्टेसी रहती ही है, तो कर्टेसी वाला मामला तो एकदम ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ लेकिन जो काम करने आए थे कहीं ना कहीं वो तो बाधित हुआ है, और वो ऐसा नहीं है कि ये कोई व्यक्तिगत ट्रिप तो थी नहीं, ये कोई ये तो हम सरकारी आदेश पर आए, सरकारी कामकाज में एक तरह से बाधा तो बाधा तो उत्पन्न हुई है, इसको नकारना तो मुश्किल नहीं है, जो हमारे डीजी सर ने भी बताया ही है सभी को, बाधा तो उत्पन्न हुई है। इस आधार पर छोड़ा है कि भाई अब उनका काम नहीं रहा तो अब जाने दें, काम रहता तो नहीं छोड़ते, ये भी बात है। इसके पहले जो पहला लेटर हमारे आईजी सर ने लिखा था उसमें यही था कि आप मुक्त कर दीजिए ताकि काम आगे बढ़ाएं, चूंकि एसेंशियल ड्यूटी में, तो उसका जवाब तो दे दिया गया था बीएमसी द्वारा कि नहीं मुक्त करेंगे, लेकिन जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ही ली है तो अब इन्वेस्टिगेशन का कुछ रह नहीं गया है, तब दूसरा लेटर ये लिखा गया कि अब तो इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है तो इनको वापस आने दिया जाए, तब जाके हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे विनय तिवारी जो कि बता रहे थे कि क्वारंटीन की के दिन और रातें कैसी थी, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि विनय तिवारी को जो क्वारंटीन किया गया वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये प्रभावित था ताकि जांच आगे ना बढ़े, बिहार पुलिस वो काम ना कर सके। हालांकि बिहार पुलिस ने अच्छा काम किया और जितना भी सबूत इकट्ठा किया है वो सीबीआई के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, मुंबई।